नमस्कार, मैं हूं विकास वाजपेयी और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी आकांक्षा यादव। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से संबंधित एक बड़ी खबर पे, जो कि रामपुर से आ रही है। रामपुर वही जिला है जिससे कि सांसद हैं आजम खां, हालांकि वो इस समय जेल में है, लेकिन क्या खबर है इससे पूरी जानकारी लेते हैं आकांक्षा से। आकांक्षा जी, विकास जी, भाजपा ने रामपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। उसमें दिलचस्प बात एक ये है कि भाजपा ने अपने रामपुर शहर से एक ऐसे शख्स को उतारा है जिसने आजम खां की नाक में दम कर रखा है। अब ये भी बता दे साथ ही साथ कि आजम खां पे 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और वो वर्तमान समय में इस समय सीतापुर जेल में है। और आकाश सक्सेना जो है वो शिव बहादुर सक्सेना के बेटे हैं। जो शिव बहादुर सक्सेना है वो मंत्री रह चुके हैं और आकाश सक्सेना पेशे से एक वकील है और ये उसी जगह से खड़े हैं जहां पर रामपुर शहर की सीट से खड़े हैं। जहां पे घर है आजम खां का। आपको ये भी बता दें कि इस समय आजम खां सीतापुर जेल में है और उनके बेटे जो अब्दुल्ला आजम है उनकी जमानत अभी परसों ही हुई है और इसलिए ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें आकाश सक्सेना जो की शख्सियत हैं, शिव बहादुर के सक्सेना के बेटे हैं, तो लड़ाई बहुत दिलचस्प होने जा रही है। और भी कुछ सीटें हैं जिसकी हम जानकारी आपको देते हैं, जैसे कि बिलासपुर से जो जल शक्ति मंत्री हैं, जल शक्ति राज्य मंत्री हैं बलदेव औलख, और मिलक से विधायक जो है वो राजबाला, जो कि 2017 में पहली बार चुनाव लड़ी थी और जीती भी थी। इसके साथ में जो चमरौहा विधानसभा है उससे मोहन कुमार लोधी को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है और इस खबर पे इसलिए भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्योंकि ये आजम खान के गृह जनपद से जुड़ी हुई है। आजम खान सेकेंड नंबर के अखिलेश गवर्नमेंट में, बिल्कुल बिल्कुल, और अखिलेश के बाद में उनका मंत्रिमंडल में दूसरा स्थान आता था उस समय जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। अभी इम्पोर्टेंट इसलिए भी क्योंकि अभी हाल ही में उनके बेटे रिहा हुए हैं और ये एक बड़ा दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है रामपुर में। इसमें ये भी आपको बता दें कि आजम खां हमेशा कंट्रोवर्सी में ज्यादा रहे हैं, इसलिए भी आजम खां का नाम हर एक आदमी जानता है और उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख चेहरा है। जैसे कि जयप्रदा के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस तरह से उनकी अमर सिंह से लड़ाई होती रहती थी वो बहुत चर्चा में रहती थी और समाजवादी पार्टी में जो लोग थे वो उसको निपटाने में हमेशा काफी समय देते थे। बड़े एक चेहरा भी है। बिल्कुल, मुस्लिम चेहरा समाजवादी पार्टी का, ओरिजिनल में देखा जाए तो आजम खान ही है। अब उनके जाने के बाद में जो वैकेंट क्रिएट हुआ है उसमें अब अहमद हसन भी आ सकते हैं, कई दूसरे नेता आ सकते हैं, लेकिन आजम खान की जगह अभी भी शायद भरी नहीं है समाजवादी पार्टी में। वो जेल में तो जरूर है लेकिन वहां से कुछ संदेश जरूर आ सकते हैं जिससे कि शायद ये लड़ाई जो आसपास के जो जिले हैं उसको भी प्रभावित करती हुई दिखाई दे सकती है। अभी 4-5 सीटें हैं जिसमें से भाजपा ने 3 तो अपने प्रत्याशी उतारे हैं, अभी 2 सीट वैकेंट है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जो आजम खां से जुड़ी हुई हैं इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव कह चुके हैं कि हम पूरे मामले की यदि हम सरकार में आए तो जांच कराएंगे और जो आजम खां उनके जो सबसे करीबी नेता थे वो जो जेल में है तो कैसे उनकी रिहाई की एक दौर शुरू किया जाएगा। बात उन्होंने शायद इसलिए बोली होगी क्योंकि अभी हाल ही में जब आजम खां के बेटे रिहा हुए हैं तो उनको उनके ऊपर जो पाबंदियां लगी मीडिया से, वो कह रहे थे ऐसा कि वीडियोस में कि हम एक साफ सुथरे इंसान है, इस तरह के जो आरोप लगे हैं वो मेरे ऊपर नहीं होने चाहिए, बेवजूद के आरोप। आकांक्षा इसमें एक चीज और भी जोड़नी है हमको कि रिहाई के तुरंत बाद जो है अब्दुल्ला आजम ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि उनके पिता यानी कि आजम खां को जेल में जान का खतरा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। और ये सारे बयान जो नेताओं के एक एक बयान रुख बदलते हैं चुनावों का और विधानसभा चुनाव, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट और बड़े दिलचस्प मोड़ पर आप खड़ा हुआ है। जब उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि अभी उनको जेल में ही खतरा है तो फिर एक दिलचस्प बात तो है ही है कि देखिए किस तरफ रुझान जाता है लोगों। जी बिल्कुल, तो आप जुड़े रहिए बिफोर प्रिंट के साथ में और हम आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव से एक एक जो खबर है वो आप तक पहुंचा रहे हैं और आप लॉग इन करिए बिफोर प्रिंट.in। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।